हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरह होंगे। पहले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे आज। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो आप नोट करते रहना साथ साथ ताकि आपको ईजिली देख सको इनको। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ए ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो मच दैट इट्स मासेस इंक्रीजेस बाय 9.1 नैनोग्राम। देन पहला क्वेश्चन क्या है, आप सुनिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। हिंदी में समझ लीजिए, ये कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जिसको इस तरह से आवेशित किया जाता है कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाता है। देखिए, किसी वस्तु को इस तरह आवेशित किया जाता है कि उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाता है। वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, आवेश की प्रकृति और उसका मान दोनों निकालना है हमारे को, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं समझता हूँ, अपन समझते हैं इसकी, सुनो। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या, एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु मान लीजिए, ठीक है। इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, समझ इस चीज को। क्या बोल रहा है, इसको चार्ज करना है, तो इसको चार्ज किया गया। और चार्ज कैसे किया गया, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, मासेस इंक्रीजेस बाय 9.1 नैनोग्राम। ये समझिए, इसका मास कितना इंक्रीज हुआ, 9.1 नैनोग्राम। इसका मतलब मास इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसको क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, क्योंकि जब कोई चीज इसके पास आएगी तभी तो इसका मास बढ़ेगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन दिए। हमें नहीं पता कितना दिए, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके मास में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हो गया 9.1 नैनोग्राम हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट, डेल एल इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। अब देखिए, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन दिए इसको, सपोज किसी दूसरे के लिए, वो हमें एन की वैल्यू तो वैसे भी निकालनी, क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, इसका मास इतना इंक्रीज हो गया। अब इसको थोड़ा अपन चेंज कर लेते हैं, तो डेल एम इक्वल टू 9.1 नैनो को कन्वर्ट करेंगे तो 10^-9 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3, अब ये हो गया केजी में। तो डेल एम इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 9.1 × 10^-12 केजी, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉन दिए इससे इसका मास कितना बढ़ गया, 9.1 × 10^-12 केजी। कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ इस मास को किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में, पहला। अब दूसरा क्या, देखिए समझिए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को जो दिया वो n इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस ऑब्जेक्ट में मास कितना बढ़ गया, 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया। स्टूडेंट, मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास को जितने इलेक्ट्रॉन देगी उनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतना मास इंक्रीज होगा मेरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरा जो मास इंक्रीज हुआ इस बॉडी पर वो डेल एम है। अब कितना इंक्रीज होगा भाई, जितने इलेक्ट्रॉन दूंगा उतने तो होगा ना। तो मान लीजिए मैंने एन इलेक्ट्रॉन दिए और एक इलेक्ट्रॉन के मास से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जितना मास इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो डेल एम बराबर इंक्रीज मास बराबर क्या हो गया, जो मास बढ़ा वो बराबर क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो, और एक ये एम ही है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। यानी स्टूडेंट, हमें पहले क्वेश्चन में क्या चाहिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो हमें एन फाइंड आउट करना है। तो डेल एम अपॉन क्या हो गया, एम ई। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एम ई, वो होता है आपको ध्यान रखना है 9.1 × 10^-31 केजी होता है। कितना होता है, 9.1 × 10^-31 केजी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 × 10^-31 केजी। अब ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वैल्यू पुट करते हैं, डेल एम की वैल्यू कितनी है, ये 9.1 × 10^-12, ऊपर एम ई की वैल्यू क्या रही, ये रही नीचे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 9.1 × 10^-31, 9.1 से तो 9.1 कैंसिल हो गया,
इसको इधर देखते हैं, देखिए n इक्वल यहाँ क्या बच गया ऊपर 10 की पावर माइनस 12 और नीचे 10 की पावर माइनस 31, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी n की वैल्यू की 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में ये 31। अब बेस m है तो पावर्स क्या होती है, एड होती है, कितना जाएगा इसको सोल्व करोगे तो 10.19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि बच्चों हमें उस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमें देने होंगे, ध्यान रखिए आपको, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट सोल्व हुआ है। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज। तो मैं तो इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, किसने आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर रफ कर रहा हूं इसको। देखिए ये तो गैस का पहला सॉल्यूशन, यहां से ये जो भी है पूरा पहला, ये सेकंड। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि उस इस बॉडी को क्या दिया हमने, चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे चार्ज आया। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहे तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी चार्ज के नेचर तो क्या हो गया, प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो गया। लेकिन हमें एक और चीज फाइंड आउट करनी है कि चार्ज कितना हुआ। तो देखिए हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना तो यहां लगाएंगे माइनस, क्यू इक्वल टू माइनस, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 10 की पावर 19 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा है बहुत बार, पहले बता चुका हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो यहां रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट वैसे कूलम होती है। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा माइनस 1.6 कूलम, यानी उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा। और चार्ज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव ऋणात्मक, यानी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट कर लीजिए आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, समझ लीजिए, जो कि ओ पॉइंट पर है। क्वेश्चन में कहा गया कि इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट है, और यहां पर हमें क्या निकालनी है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, देखिए यहाँ पे चार्ज भी है डिस्टेंस भी, और ये चार्ज लगा हुआ एयर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए E इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻¹, क्योंकि मैंने क्या बात बोली कि सारा कहाँ है, एयर के अंदर, क्यू की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम। अच्छा माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 10⁻¹ कूलम, यहां वैल्यू पुट कीजिए 3 × 10⁻¹ कूलम डिवाइड बाय कूलम कटा दीजिए, इस यूनिट बाद लास्ट में लगाएंगे आर। यहां पे देखिए आर कितना है, यहां पर इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, जब 100 ऊपर आएगा तो 3 × 10⁻²⁪ हो जाएगा, ये और तो कितना हो गया 3 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 × 3 = 27 इंटू 9 भी कितने हो गए 10⁻³, क्योंकि सेम है बेस, तो पावर्स क्या होगी, 8 होगी, 8 होगी 9 - 6 गए तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर -4, 3 × 3 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × देखिए ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो 3 + 4
सेवन यूनिट क्या लगेगा न्यूटन पर ग्राम। ये लीजिए ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 माइक्रोग्राम चार्ज से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले 3 सेंटीमीटर 3 माइक्रोग्राम आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो वो हमने निकाला है, यहाँ पर नोट कर लेना इसको, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, अभी तक कोई इतना कोई डाउट पड़ा ऐसा कुछ है नहीं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है। आपके लिए मैंने सीट बना रखी है, वो ट्रांसफर कर दूंगा आपको, तो आप देख लेना, सॉल्व कर लेना उनको। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो जितने भी मैंने टॉपिक्स एक चैप्टर में कंप्लीट कराए हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप उनको देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो न्यूमेरिकल बाद में सोल्व करना। कैलकुलेट चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, हमें ये फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और देखिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब हमें अल्फा पार्टिकल निकालना है। हिंदी वीडियो वाले अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए या करो। अब देखिए कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया था, फिर से देख लीजिए। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है इक्वल होता है किसके, हीलियम न्यूक्लियस के। ये लीजिए हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, मतलब है जो हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल पे एक तरह से देखा जाए तो जो चार्ज आएगा वो ओनली आएगा प्रोटॉन के कारण, ठीक है। तो मैंने बता रहा हूं कि यहां पर कितना, एक अल्फा पार्टिकल 2H4 के इक्वल है, यानी 2 हीलियम के इक्वल है, 2H4 दोनों इक्वल है, सेम है एक तरह से। यानी कि इस हीलियम में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के इक्वल। किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में कितने चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस में कितने चार्ज है, 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज है। तो क्यू इक्वल टू 2 × प्रोटॉन का चार्ज कितना, ये रहा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट तो कूलम होती है, सो मैंने यही लगा दी। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 2 × दिया हो करेंगे तो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक सीट में आप करना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम फॉर्म ए डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम में ऐसे 2 आवेश प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से
2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए, मतलब क्या है, दो आवेश हैं और ये आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दो आवेश कौन से, एक +2 माइक्रोग्राम है और दूसरा -2 माइक्रोग्राम है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो देख लीजिए, मार्कर थोड़ा लाइट हो चुका है। तो क्या करना है आपको, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करोगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आवेश लेते हैं, ये रहा एक और दूसरा ये रहा, तो ये क्या है 2 माइक्रोग्राम और ये -2 माइक्रोग्राम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी 2a की वैल्यू कितनी, ये रही, ठीक है ना, 2a की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻²⁻ मीटर, ठीक है, इतना तो हो गया, इतना तो क्लियर है ना भाई। जो 2a हमने जो डिस्टेंस ली थी क्वेश्चन में वो 2a = 2 सेंटीमीटर है और मैंने इसको लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखिए समझिए, यहां पर हमें पता है डाइपोल मोमेंट यानी P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2a, ये हमने पढ़ा था। तो P इक्वल टू क्यों की वैल्यू कितनी है, दोनों में से कोई सा एक चार्ज ले लो, वो है 2 माइक्रोग्राम, तो 2 × 10⁻⁶ माइक्रोग्राम को मैंने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया यहां पर, × 2a की वैल्यू क्या है, ये रही 2 × 10⁻²। जब ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे और आगे तो P इक्वल टू क्या जाएगा, 2 × 4 × यहां कितना हुआ 10⁻⁶ और यहां 10⁻², तो 10⁻⁸। अच्छा यूनिट क्या लगेगी, कूलाम इंटू मीटर, ये लीजिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। क्वेश्चन ये है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लीजिए, और इसके तीनों कोणों पर क्यू 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 चार्ज परसेंट है, ध्यान रखिए क्या है, चार्ज कितना परसेंट है, क्यू इक्विलेटरल है और ये साइड इसकी ए, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, मैं पहले लिख देता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि हिंदी मीडियम में समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी एज पर, किसी भी कॉर्नर पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए, किसी भी कॉर्नर पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा, 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए, और उसमें रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू, जब भी दो फोर्स किसी एंगल पर इंपोज होते हैं, वर्क करते हैं, तो फॉर्मूला होता है आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, जब भी कोई दो फोर्स किसी एंगल पे काम करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा,
ध्यान रखिए आप। चलिए अब आते हैं, मान लीजिए मुझे इस पर क्या निकालना है, मैं इस पर निकाल रहा हूं फोर्स की वैल्यू, किसी भी एक कॉर्नर पे क्या निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना, मैंने मान लिया इस पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इस वाले पर, तो इसके कारण से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, मैंने मान लिया इसका नाम F1 है, और इसके कारण इस पे जो लगेगा वो ये लीजिए, ये मैंने मान लिया F2 है। अच्छा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितने 60 60 होंगे सारे ये, तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 60। तो फॉर्मूला लगा लीजिए अब, F इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दिया मैंने। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए F इक्वल टू, अच्छा सॉरी पहले देख लेते हैं F1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहां पे देख लेते हैं F1 की वैल्यू, तो यहां से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू इन दोनों बीच, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स और इन दोनों की डिस्टेंस, डिस्टेंस पर a है ही, तो k q1 की वैल्यू भी q है, q2 की वैल्यू भी q ही है, तो q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली f2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा, कोई टफ नहीं चल रहा, ठीक है। जो भी तक आपने पढ़ा है बिल्कुल वही सिंपल से टॉपिक्स हैं। देखिए थोड़ा डार्क कर रहा हूं ताकि दिख जाए आपको क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा एंगल कितना है दोनों बीच में, ये भी देख लीजिए आप, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए अब आते हैं आप, तो F1 की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर ना यहाँ पर, प्लस F2 की वैल्यू k q2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए F1 F2 दोनों सेम ही है ना, तो 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। F1 F2 सेम है तो F1 का स्क्वायर या F2 का स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने ऑलरेडी इनटू। अच्छा cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। एक बार देखिए मैंने F1 और F2 दोनों की वैल्यू रखी तो दोनों मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर हो जाएंगे, ध्यान रखिए डायरेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, तो 2 से आपका 2 कैंसिल, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में, देखिए 1, 2 और 3 हो गया, तो 3 के क्यूब का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है, कोई डाउट यहां तक, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, देख लीजिए एक बार फिर से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। भाई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन, तीन बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब आइए इधर में रफ कर रहा हूं इसको, लास्ट सिर्फ आ गया पर, देखिए यहां से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब जस्ट देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल इसका, तो 3 पे तो क्या आ जाएगा रूट, सिंपल बच गया क्या ये, तो इसको एज इट इज लिख दो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये लीजिए आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, नाम दे देता हूं मैं इनको a b c, इन तीनों कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हुए हैं वो सेम है, क्यू वन क्यू क्यू क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन ये है आपको किसी भी पॉइंट पर फोर्स की कैलकुलेट करना है, हिंदी बड़े वाले एक संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज पे कोणों पर तीन आवेश रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू, तो आपको किसी भी एक बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र सॉरी बल की गणना करनी है, तो आपका फाइनल ये बल लास्ट में ये आपको ये समझ जाएगा, ठीक है।
नोट कर लीजिए।